नमस्कार, मेरी और आपकी घड़ी में बजने वाले हैं दूसरे पहर के दो, और ये वो वक्त है जब हम देखते हैं मेरा गांव मेरा देश है का स्पेशल एडिशन, यानी कि यूपी एडिशन। इस यूपी एडिशन में हम एक एक कर हर विधानसभा को जानने समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा करीब से। विधानसभा की जनता के मूड में क्या कुछ है, जनता क्या कुछ सोच रही है, उस नब्ज को टटोलने की कोशिश करते हैं। अगर पूरा लबोलुआब समझाऊं आपको, तो दरअसल इस कार्यक्रम की संरचना इस प्रकार से की गई है कि हम आपको ये बता सकें कि अगर हम डिजिटल निरीक्षण करते हैं उस विधानसभा का, तो आखिर वो विधानसभा दिखती कैसी है। 2017 में जब पिछली दफा उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे, तब बंपर मत मिला था भाजपा को एक तरफा, तो क्या इस बार उसका कोई भी स्वरूप या उसकी कोई भी काया या उसकी परछाई देखने को मिलेगी, या इस बार फिर उत्तर प्रदेश आपको मुझको अचंभित करने जा रहा है, या फिर वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा जैसा 2017 में देखने को मिला है। इसको लेकर आज एक बार फिर एक नई विधानसभा के साथ हम आपके साथ आए हैं, आपके समक्ष प्रकट हुए हैं, और इस विधानसभा का नाम है बिजनौर विधानसभा। बिजनौर सदर की विधानसभा की आज हम चर्चा करेंगे। सदर माने शहर विधानसभा, जो शहर सीट होती है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो बिजनौर की सदर विधानसभा जो है उसके पास तो गंगा जी बहती है, तो जिस विधानसभा के पास गंगा बहती हो वो विधानसभा तो सबसे पहले खुद ब खुद आशीर्वाद से परिपूर्ण है। लेकिन क्या बिजनौर की विधानसभा को वो सब कुछ मिला जो वो चाहती थी? लेकिन बिजनौर की विधानसभा इसलिए इंटरेस्टिंग इस बार लग रही है, मालूम पड़ रही है, क्योंकि बिजनौर में जो मेजॉरिटी है, जो मेजॉरिटी ऑफ वोटर है, वो दरअसल किसी ना किसी तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सीधे तौर पर या सीधे तौर पर भी ना सही, लेकिन इधर उधर से कहीं ना कहीं से कृषि पर जुड़ा हुआ है, कृषि के साथ जुड़ा हुआ है या कृषि से संबंधित है, या उसके उपकरणों की दुकान चलाते हैं, उसके उपकरण बेचते हैं जो कृषि से संबंधित जो उपकरण आते हैं वो सब, या फिर सीधे डायरेक्ट कृषि से जुड़े हैं। तो क्या ये जो किसान हैं बिजनौर के, क्या जो अभी किसान आंदोलन हुआ था उसको लेकर थोड़ा सा भी प्रभावित महसूस कर रहे हैं, या फिर जो कृषि कानून वापस लिए गए हैं तो उसको लेकर खुश हैं, या फिर किसान आंदोलन की वजह से नाखुश हैं? तो इसको भी समझने की जरूरत है कि किसान कितना खुश हैं या कितना नहीं खुश हैं। साथ ही साथ एक और बड़ी समस्या है, वो है कि बिजनौर से, दर्शकों बिजनौर में जो सबसे बड़ी समस्याओं में से एक समस्या है वो ये है कि बिजनौर से, बिजनौर का जो मुख्यालय है, जिला मुख्यालय है, वहां पर सिर्फ दो ट्रेनें निकलती हैं, सिर्फ दो ट्रेनें। और अगर आपको कोई लंबी दूरी तय करनी है, कोई अलग जगह जाना है, मान लीजिए आपको किसी अलग राज्य में जाना है, बड़ी जगह जाना है, तो आपको दिल्ली जाना होगा पहले, फिर दिल्ली से आप चेंज कर सकते हैं रूट। लेकिन बिजनौर जो जिला मुख्यालय है वहां से सिर्फ दो ट्रेनें गुजरती हैं। इसके अलावा एक और मुद्दा है, दूसरा मुद्दा ये है कि बिजनौर विधानसभा में ये क्योंकि गंगा जी के किनारे बसा हुआ है, तो ऐसे में सैकड़ों लोग प्रभावित हो जाते हैं। कब? जब बाढ़ आती है, तो कई लोगों के घर डूब जाते हैं गंगा में, तो बाढ़ भी एक बड़ी समस्या है। साथ ही साथ ट्रेनें जो सिर्फ दो की संख्या में निकलती हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि सिर्फ दो ट्रेनें निकल सकती हैं। अगर आपको किसी अन्य राज्य में जाना है, अन्य प्रदेश में जाना है, तो आपको पहले दिल्ली आना होगा बिजनौर से, फिर दिल्ली आकर आप उस रूट को चेंज कर सकते हैं। तो बिजनौर की ये दो प्रमुख समस्याएं हैं, सबसे प्रमुख, और साथ ही साथ जो सबसे ओवरऑल जो एक्स फैक्टर के तौर पर काम करने जा रहा है वो ये है कि किसान आंदोलन ने क्या इस विधानसभा की जो सोच है, समझ है, उसको बदला है? और आखिर जाट किसान क्या सोच रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जाट किसान क्या सोच रहा है, क्योंकि एक तरफ तो ये मुजफ्फरनगर से लगा हुआ है, आप समझ रहे हैं, जो बिजनौर विधानसभा है एक तरफ मुजफ्फरनगर से लगी हुई है, और उसकी जो दूसरी सीमा है वो मेरठ को टच कर रही है, मुजफ्फरनगर को टच कर रही है। तो इस टच का मतलब आपको समझाता हूं, इस टच का मतलब यह है कि जयंत चौधरी जो कि जाट वोटरों के सहारे हैं, और अखिलेश यादव जो इस जाति गणित को समझ रहे हैं और सोच रहे हैं कि जाट और मुसलमान अगर साथ आ जाता है तो बाजी पलट सकती है, लेकिन योगी जी भी जानते हैं, बाबा भी जानते हैं कि अगर इन दो दोस्तों की जोड़ी को अगर पूरी तरह से धराशायी करना है, यूपी के दंगल में अगर पटक देनी है, तो फिर जाट और मुसलमानों को एक नहीं होने देना। तो जाट वोटर काफी अहम हो जाता है, और बिजनौर का जाट किसान तो ऑटोमेटिक अहम हो जाता है। तो इसी को लेकर चर्चा करेंगे कि बिजनौर में जाट किसान क्या सोच रहा है, बिजनौर में सभी वर्गों के किसान क्या सोच रहे हैं, बिजनौर की जो आम जनता है वो क्या सोच रही है, बिजनौर के जो सबसे दो प्रमुख मुद्दे हैं उसको लेकर क्या इस सरकार में कोई काम हुआ, क्या मौजूदा विधायक, वर्तमान विधायक ने कोई काम करने की
जरूरत की या फिर बस प्रदेश सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम किया, यानी कि एक मीडिएटर के तौर का काम किया, लेकिन अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं डाले। इसको लेकर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें हो जाएं। ये तस्वीरें हैं बिजनौर सदर विधानसभा की। हालांकि जैसे कि कहावत है कि काफी जो हिल स्टेशन है वो एक जैसे ही दिखते हैं, पहाड़ एक जैसे ही दिखते हैं, तो ऐसे यूपी के कई विधानसभा हैं, जब हम वहां का आपको दर्शन कराते हैं डिजिटल रूप से, तो काफी जगह एक जैसी ही दिखती है। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, बिजनौर की तस्वीरें हों, और आज बड़ी अच्छी चीज़ है कि अलग अलग, क्योंकि बिजनौर जो है सदर विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, तो अलग अलग जो जिला मुख्यालय की चीज़ें हैं, जो कार्यालय हैं, उनको भी दिखाया गया है, वरना तो हमारे प्रोड्यूसर साहब सड़कों पर ज़्यादा केंद्रित रहते हैं। तो आज ये बिजनौर विधानसभा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। चलिए, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, दर्शकों को सीधे ऑन स्क्रीन लीजिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरा गाँव मेरा देश है में। दोनों सम्मानित दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है। सरकार नाम बता दीजिएगा अपना। नहीं नहीं ऑडियो को फिक्स करना किसान बिजनौर में छोटे छोटे किसान है जिनके पास 2-4 बीघे जमीन है, उन्हें प्रधानमंत्री योजना मिल रही है, किसान योजना मिल रही है। हमारे छोटे किसान सरकार से पूर्ण रूप से खुश है, कोई दिक्कत में किसी प्रकार की नहीं आ रही। अरे सरकार, पहले आप थोड़ा सा परिचय करा देते, हंस के मुस्कुरा के मेरे से भी पूछ लेते, फिर बात को शुरू करते। आप तो आए और आते ही आते। मेरा नाम भूपेंद्र कुमार चौधरी बोल रहा हूँ, बिजनौर से। अच्छा ठीक है, ऑडियो का कुछ समस्या आ रही है, ऑडियो की कुछ समस्या फंस रही है, तो आवाज उतनी क्लियर थोड़ी सी। मेहराब किंग, चलिए ठीक है, तो एक बार फिर शुरू करेंगे। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, दूसरी खिड़की पर है, आप नाम बता दीजिएगा सर अपना। मेरा नाम मुनीश त्यागी है, बिजनौर से बोल रहा हूँ। मुनीश त्यागी साहब, बिजनौर से आप बात करें, सबसे पहले मुझे शानदार है, थोड़ा सा पीछे हो जाइए ताकि दिख भी सके, थोड़ा सा पीछे हो जाइए स्क्रीन कैमरे से। हाँ, बिजनौर में मौजूदा विधायक ने कोई काम यहाँ पर नहीं किया है। यहाँ तमाम बैराज रोड पे जाकर देखिए, तमाम गड्ढे गड्ढे हैं 2 किलोमीटर तक। हाँ, और बिजनौर शहर के अंदर यहाँ अभी रेलवे स्टेशन पर एक लड़की बलात्कार करने की कोशिश उसके साथ की गई है और वो उसको मार दिया गया। और यहाँ पर मौजूदा विधायक ने एक सड़क का उद्घाटन करने के लिए वो गई थी, गोले से उद्घाटन हो रहा था, सड़क टूट गई, गोला नहीं टूटा। ये हाल है भ्रष्टाचार का। यहाँ तमाम कोई IIT नहीं दिया, कोई स्कूल नहीं दिया, कोई मेडिकल नहीं दिया। मेडिकल पिछली सरकार पर इसका ढोल पीटने का काम ये लोग कर रहे हैं। और मुझे तो एक शेर याद आता है, ये जमीन बेच देंगे, ये गगन बेच देंगे, ये कली बेच देंगे, ये चमन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। बहुत शानदार, आप काफी क्रोधित लग रहे हैं। ये क्रोध जो है 5 साल से है या चुनाव के वक्त है सिर्फ? त्यागी साहब, आप ही से बोल रहा हूं, आप काफी क्रोधित लग रहे हैं। त्यागी साहब, आपसे बात कर रहा हूं, आप काफी क्रोधित लग रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा था। त्यागी साहब, मैं ये कह रहा था आपसे कि आप काफी क्रोधित लग रहे हैं, तो जो क्रोध है ये अभी अभी उपजा है या रहते रहते बीते 5 सालों का पूरा भर गया है क्रोध? चलिए ठीक है, जरा तस्वीरें दिखाइएगा बिजनौर विधानसभा की। तो बिजनौर विधानसभा की तस्वीरों पर आपका लेके आते हैं वापस, तब तक हम ऑडियो को फिक्स करने की कोशिश करेंगे। मेरा गांव मेरा देश है कि यूपी एडिशन में आप देख रहे हैं बिजनौर विधानसभा को। बिजनौर की शहर विधानसभा है ये। शहर विधानसभा में जो सबसे जो बड़े मुद्दे हैं यहाँ के, वो यही हैं कि शहर विधानसभा से जो गांव लगे हुए हैं वो गांव बाढ़ के समय डूब जाते हैं। कई लोगों के, सैकड़ों लोगों के घर जो है यहाँ पर बाढ़ में डूब जाते हैं। ये सबसे प्रमुख मुद्दों में से एक है जो हर कार्यकाल के बाद
जो हर 5 साल के बाद आपको बता दूं कि एक बड़े मुद्दे की शक्ल लेता है, चुनावी मुद्दा बनता है, लेकिन आज तक इसको लेकर किसी भी सरकार में प्रभावी रूप से कोई काम नहीं हो सका है। साथ ही साथ ट्रेन की कनेक्टिविटी जो है, रेलवे कनेक्टिविटी जो है, उसको लेकर भी यहाँ की जनता खासा नाराज रहती है, लेकिन अभी तक किसी भी सरकार में इसको लेकर भी ध्यान नहीं दे क्या। आपको बता दें कि बिजनौर से सिर्फ 2 ही रेल रूट हैं, सिर्फ 2 ही ट्रेनें गुजरती हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो ऐसे में अगर आपको किसी और प्रदेश या राज्य में जाना होता है तो आपको दिल्ली से ट्रेन लेनी होती है। तो रेलवे कनेक्टिविटी की एक बड़ी समस्या है जो हर 5 साल के बाद जन्म लेती है, लेकिन चुनाव संपन्न होने के बाद इसकी ओर कभी भी ध्यान नहीं दिया जाता। साथ ही साथ इस वर्ष ये जो पूरी आपकी जो वेस्ट की बेल्ट है, इसमें जो गन्ना बेल्ट है, उसमें भी हम बिजनौर को शामिल करते हैं, क्योंकि यहाँ के किसान मुख्य तौर पर गन्ने पर ही डिपेंडेंट हैं। तो ऐसे में एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे आम दर्शक। त्यागी जी, अब आपको आवाज़ मिल रही है मेरी? त्यागी जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? चलिए ठीक है, तस्वीरों पे वापस लौटते हैं। बिजनौर विधानसभा की ये तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और बिजनौर विधानसभा में इस वक्त क्या चल रहा है जानने समझने की कोशिश करेंगे और क्या कुछ नहीं है इसको भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कहूंगा, अपने असाइनमेंट से कहूंगा कि रिपोर्टर को जोड़ सके तो हमारे रिपोर्टर को जोड़िए। अगर आप हमारे रिपोर्टर साहब को जोड़ सकते हो तो रिपोर्टर साहब को जोड़िए। चलिए, आप दिख रहे हैं स्क्रीन पर, मुझको ये समझाइए कि ये जो किसान आंदोलन हुआ है, इस किसान आंदोलन की वजह से, क्योंकि मोस्टली जो मेजोरिटी जो यहाँ पर किसानों की है वो सब किसी ना किसी तौर पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो कृषि पर डिपेंडेंट है, तो यहां पर किसान आंदोलन का कितना प्रभाव पड़ा है? जो हमारे बड़े किसान हैं वो इस आंदोलन में लगे हुए हैं, जो छोटे किसान हैं जिनके पास 15 बीघे 16 बीघे जमीन है वो सरकार से 100% संतुष्ट हैं। उन्हें प्रधानमंत्री जी योजना मिल रही है, ट्रैक्टर में सब्सिडी मिल रही है, कल्टीवेटर 50% सब्सिडी मिल रही है, कीटनाशक दवाइयों छूट मिल रही है हमें। दूसरी बात, हमने यहाँ सारे खड्डे मुक्त कर दिए, नगिंदा रोड बना दी, बिजनौर टू नजियाबाद रोड बना दी, हमने आयुष्मान बना दिए। छोटे किसान सब किसान से इससे सरकार से खुश है, संतुष्ट है। प्रकार से 9 मील है गन्ने मील, उसमें 1 मील का। लेकिन लोकदल वाले तो कह रहे हैं कि वही किसानों की पार्टी है, लोकदल वाले कह रहे हैं। नहीं, लोकदल में मुट्ठी भर किसान होते हैं, जो बड़े किसान होते हैं, जो राजनीति करते हैं, जो इसमें राजनीति प्रभावित होते हैं, बड़े राजनीति घरानों से मिले हुए हैं। छोटे किसान इनसे संतुष्ट नहीं है, छोटा किसान बीजेपी से 100% संतुष्ट है। उन्हें 6,000 रुपया साल मिल रहा है, 2 वर्ग उन्हें बीज मिल रहा है उधार, और जो सोसाइटी से खाद मिलता है वो बिना ब्याज के मिलता है। ठीक है, इस फोन को थोड़ा सा आप स्टेबल रख दीजिए, फोन को थोड़ा सा कहीं पर स्टेबल रख दीजिए। जी सर। हाँ जी सर, ठीक है। अब मैं ये जानना चाह रहा था कि गन्ना भुगतान आपके क्षेत्र में हो गया? गन्ना भुगतान हो गया है? गन्ना भुगतान को लेकर हम जहां भी जाते हैं लोग कहते हैं गन्ने का भुगतान नहीं है, गन्ने का भुगतान नहीं है, और अखिलेश यादव ने एक अनाउंसमेंट किया है कि गन्ने का भुगतान कर देंगे 15 दिन के अंदर। हमारे जो शुगर मिल है बिजनौर के अंदर ना, उन्होंने पूर्ण भुगतान पिछला कर दिया और अगला भी 15 दिन के अंदर पूर्ण भुगतान हो रहा है सबका, 1 मिल छोड़ के उसका 10 दिन का रुका हुआ है, वो समाजवादी ग्रुप की फैक्ट्री है। ठीक है, तो आप तो काफी मुझे जागरूक लग रहे हैं राजनीतिक रूप से, तो आप किसी समाज सेवी हैं या फिर किसी पार्टी से भी आपका जुड़ाव है? मेरा पार्टी से कोई मतलब नहीं, मैं छोटी एक दुकान करता हूँ जी, मेडिकल करता हूँ छोटा सा। ठीक है, मेडिकल है आपका छोटा सा? हाँ छोटा सा जी, एक छोटा सा काम करता हूँ, उसमें परचून की दुकान का काम भी कर लूँ थोड़ा बहुत सर। अच्छा ठीक है, तो मैं यही पूछ लेता हूँ आपसे, क्योंकि आप एक तरीके से लघु उद्योग में आ जाते हैं, ये बताइए मुझको कि कितना खुश है व्यापारी, कितना संतुष्ट है जो सुरक्षा को लेकर, जो सुरक्षा की दृष्टि से जो बात होती है कि पहले व्यापारी रात में अपना गल्ला लेकर घर की ओर निकलता था तो रास्ते में कोई बल्ला लेकर आ जाता था और पूरा गल्ला छीन जाता था, तो अब वैसी कोई समस्या तो नहीं है? दूर दूर तक सर, दूर दूर तक दिखाई देता सर, एक जीएसटी का बहुत बड़ा फायदा हुआ सर हमें। ठीक है, देखिए आपने तो कर ली बहुत मीठी मीठी बातें, लेकिन वो देखिए बाजू में आ गए आपके त्यागी जी। ठीक है त्यागी जी, सबसे पहले तो आपकी मूछें बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी मूछें हैं आपकी,
मूछे हो तो त्यागी जी जैसी, वरना ना हो। चलिए त्यागी जी, अब सबसे पहले मैंने आपसे इसलिए बात कही, पिछली दफा आप आए और क्रोध के स्वर में आप 2 मिनट बोलकर चले गए। तो त्यागी जी, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि आप इतने क्रोधित क्यों हैं? कोई ऐसी बात हुई जिससे आपको क्रोध आता है? कोई ऐसी घटना स्पेसिफिक या कुछ ऐसा हुआ है इस सरकार में जिसको लेकर आप इतना ज्यादा असंतुष्ट हैं? ये सर कांग्रेस से जुड़े हुए हैं सर। अरे वाह, आपको कैसे पता ये कांग्रेस से हैं? उनका पर्चा खारिज हो गया सर। अच्छा, ये लीजिए त्यागी जी, आपको कांग्रेस ही बता दिया। त्यागी जी का पर्चा खारिज हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन इंटरनेट पर खर्चा कम हुआ है तो समस्या हो रही, कनेक्टिविटी नहीं फिक्स हो पा रही है। चलिए त्यागी जी को फिर जोड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए त्यागी जी को थोड़ा सा विश्राम दीजिए, आराम दीजिए, एक बार फिर कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, ऑडियो भी फिक्स करवाइएगा। तब तक हम वापस लौटते हैं, हमारे साथ हमारे मेहमान हैं, उनसे हम बातचीत करते रहेंगे। तो एक और चीज़ समझने की कोशिश करेंगे साहब, कि यहाँ पर कांग्रेस का तो मुझे लगता नहीं कि कुछ भी है, कोई भी असर होगा कांग्रेस का, लेकिन आरएलडी और अखिलेश यादव अगर साथ आ रहे हैं तो जो राजनीतिक पंडितों की जो सोच है वो ये है कि अगर जाट और मुसलमान एक हो गए तो बीजेपी को खामियाजा उठाना पड़ जाएगा। और बीजेपी ये जानती है कि मुजफ्फरनगर की तस्वीर दिखाकर इस बेल्ट पर एक बार फिर कब्जा किया जा सकता है। ये जो पूरी आपकी बेल्ट है, गन्ना बेल्ट है इसको, या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरा बोल लूं, तो यहां पर ये आप क्या देख रहे हैं? क्या जाट और मुसलमान एक साथ जा सकता है? और इस बात को आप भी समझते हैं कि जाट और मुसलमान अगर एक साथ चला गया तो फिर झंडा लगेगा सपा का। कैसे चले जाएंगे कवाला में? दो हमारे भाई मार दिए, 1560 आदमी हमारे जाट भाई ने जेल में भेज दिए, उन्होंने बीजेपी सरकार ने छुटाया, तो वो खून अब कैसे भूलेंगे? ठीक है, दो चीजें अब मैं आपको समझाता हूँ। दो चीजें आपको समझाता हूँ। पहली चीज ये है कि जाट के सामने दरअसल एक डिलेमा है, मतलब एक धर्म संकट फंस गया है। अब जाट अगर देखता है मुजफ्फरनगर दंगे तो फिर तो जाट कहता है कि बीजेपी से बढ़िया तो कोई हो ही नहीं सकता, सेफ है बीजेपी। और जाट अगर देखता है अपनी किसानी खेती तो कहता है कि बीजेपी से हम नाखुश हैं, बीजेपी ने हमें 1 साल सड़क पर बैठाया है। तो अब वो किस तरफ जाएगा, किस तरफ ज्यादा उसे ठीक लग रहा है? देखो जी, हमारे दो भाइयों का इन्होंने मर्डर कर दिया पिछले साल जब आजम खान की सरकार थी, और 1500 लड़के हमारे जेल से छुटकाए। रही दूसरी तरफ, हम छोटे किसान हैं, हमारे पास 8 बीघा जमीन है मेरे पास, मुझे किसान से 6000 रुपए मिल रहे हैं, 6000 मेरे भाई को मिल रहे हैं। कल मेरी माँ का ऑपरेशन हुआ, आयुष्मान कार्ड से मुझे 5 लाख रुपए मिले, तो मैं सरकार के साथ रहूंगा और बीजेपी के साथ रहूंगा पूर्णतः। जाट समाज जाता हूँ मैं, मेरे भाई ने 2 मार दिए कवाला में, 15 जेल में भेज दिए। तो मतलब मुजफ्फरनगर का जो वो है जख्म है वो अभी तक भरा नहीं है पूरी तरह से। जी हम इनके साथ कभी नहीं जानेंगे, ये दलबदल जाएंगे जो 5 नेता बड़े बड़े किसान यूनियन के। ठीक है, मैं आप समझ गया, आपकी बात को समझ गया। डायरेक्टर साहब ऑन एयर लीजिएगा जरा, मैं आपकी बात को समझ गया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बड़े किसान हैं वो दरअसल जो है इन ऑर्गेनाइजेशंस में है, लोकदल में है वगैरह वगैरह, जो किसान आंदोलन करते हैं वो लोग हैं, जो टिकैत साहब है वो भी बड़े किसान उसमें आते हैं, लेकिन जो छोटे किसान हैं सर, इनके जो बिजनौर के किसान यूनियन के नेता, इनके लड़के सर्विस क्यों करते हैं मील में, हमारे क्यों नहीं करते छोटे छोटे किसानों के? ठीक है, चलिए आपकी बात को मैंने पूरा सुना। अब एकदम सच से सामना कराएंगे, हमारे संवाददाता जुड़ गए जमीन से, नईम अहमद नाम है। नईम साहब, स्वास्थ्य कैसा है आपका? नईम साहब लाइव हैं आप, स्वास्थ्य कैसा है आपका? स्वास्थ्य आप एक काम करिए डॉक्टर साहब, आप पहले ऑडियो चेक करवाइए फिर ऑन एयर किया करिए। ठीक है, तो हमारे साथ हमारे जो मेहमान जुड़े हुए उनको ही लीजिए आप, तब तक उनसे ही बातचीत करेंगे। तो बिजनौर की हम बातचीत कर रहे हैं, बिजनौर पर चर्चा कर रहे हैं। अब मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, देखिए आप ही आप हैं आज, बाकी जो भी जुड़ रहा है संवाद हो नहीं पा रहा है। या तो आप इतने ज्यादा मजबूत हैं
कि बाकी कोई आपके सामने टिक नहीं पा रहा है। लीजिए भाई ऑन एयर लीजिए डायरेक्टर साहब। जी जी मैं ये कह रहा था कि कोई भी आ रहा है आपके बाजू वाली खिड़की पर, वो खिड़की ठहर नहीं पा रही है। जी ईमानदार आदमी हर जगह ठहरता, बेईमान तो कोई ठहरता ही नहीं। ईमानदार बोलिए मत अपने आप को, ईमानदार बोलेंगे अरविंद केजरीवाल साहब आ जाएंगे अभी, वही तो ईमानदारी का सर्टिफिकेट आजकल बांट रहे हैं। चलिए अब मैं आता हूँ, चलिए ठीक है हो गई बातचीत हो गई। अब ये बताइए मुझको, तीन चार पैमानों पर जल्दी जल्दी बात करेंगे, आराम से रह रहे हैं, रात को दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की भी। ठीक है, शिक्षा को लेकर क्या कुछ काम हुआ है आपकी विधानसभा में बिजनौर में? विकास के लिए सर सुएड़ी में एक बहुत बड़ा मेट्रो अस्पताल बन रहा सरकारी, बिजनौर टू नगिन्ना हाईवे बन रही है, नजियाबाद से बिजनौर टू नजियाबाद हाईवे बन रहा है और सारी सड़कें खड्डा मुक्त हो चुकी है यहाँ। आप तो मुझे बीजेपी का विकास मॉडल साक्षात दिख रहे हैं। ये बताइए, दो ट्रेनें निकलती थी, दो ट्रेनें, बाकी जो अन्य स्टेट से अगर कनेक्टिविटी की बात की जाए, रेलवे कनेक्टिविटी की, तो रेलवे कनेक्टिविटी नहीं है इस शासन के दौरान भी, उस कनेक्टिविटी को नहीं दिया गया। अजी हमारा बिजनो सी ग्रेड का तो शहर है, शाम को 6 बजे तो सुनसान हो जाए, यहाँ ज्यादा ट्रेन चला के भीड़ तो होगी सर यहाँ। ठीक है अल्लाह का। अच्छा ज्यादा ट्रेन चलानी क्यों है, भीड़ क्यों करनी है? हाँ सी ग्रेड का शहर है हमारा बिजनौर, 70 साल में क्या करा, और इन्होंने कुछ कर तो दिया इन्होंने सर। हाँ ठीक है, सबसे बड़ी बात को दंगा नहीं हुआ आज तक है बिजनौर के अंदर, बड़ी शांति से रह रहे हैं मिलजुल कर सब भाई बहन। ठीक है ठीक है ठीक है। और ये जो आपके आसपास गांव जो लगते हैं बिजनौर में, ये हर साल हम खबरों में भी पढ़ते हैं कि बाढ़ आती है तो काफी गांव जो है, सैकड़ों गांव जो है डूब जाते हैं बाढ़ में। ये सर थोड़ी बाला वाली रोड पे दिक्कत है, परेशानी आ रही है, इसको चल रहा काम, आपको बाढ़ बन जाएगा सर, वहाँ पैसा आ गया है। ये सब आपको कैसे पता है, आप मेडिकल स्टोर चलाते हैं? जी सर ये मेडिकल स्टोर कहाँ चल रहा है आपके आपके, ये बताइए। अच्छा सही बताइएगा बिल्कुल ईमानदारी के साथ, क्योंकि आप ईमानदार व्यक्ति हैं, ईमानदारी के साथ बताइए आपका मेडिकल स्टोर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से कितनी दूर है? यहाँ से करीब 5 किलोमीटर है सर। आप काफी प्रभावित दिख रहे हैं। नहीं जी बीजेपी से प्रभावित नहीं, मैं उनके काम से प्रभावित हूँ। मेरी अम्मा सख्त बीमार थी, मेरा आयुष्मान कार्ड बना, कोई भर्ती नहीं करता, मुझे 5 लाख का बेनिफिट रहा, कार्ड तो मेरी अम्मा मर जाती। चलिए यही बात, प्रभावित हूँ सर। हाँ जी इसमें किसी नेता की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे जनसेवा केंद्र में जाओ अपना काम बनवा लो, 2-6 हजार रुपए मिल जाए, किसी पटवारी को पैसा देना नहीं पड़ता, हम यो फायदा है इस मामा। बीजेपी अगर बिजनौर से कोई विज्ञापन छपवाएगी तो उसमें आपको सबसे आगे रखेगी जी। आप बीजेपी की जो योजनाएं हैं उनको मैंने ये देखा है कि आम लोग जो होते हैं उतनी योजनाओं के बारे में उनको पता नहीं होता है, जागरूक नहीं होते हैं, लेकिन आपको तो एक एक योजना साक्षात मतलब कंठस्थ है आपको एक एक योजना। मैं सर जब से पढ़ना चालू हुआ मैं एमएससी करके पेपर का मेरा लगा रहा हूं, टीवी चैनल काम करा मैंने पढ़ने में, निकल में पढ़ने का टाइम सर। हाँ आजकल। अच्छा ठीक है ये बताइए, जो शिक्षित हैं वो बेरोजगार क्यों हैं? जी जो शिक्षित हैं वो बेरोजगार क्यों हैं आजकल? बेरोजगार में कम इसलिए है साहब, कोई काम करने को तैयार नहीं है। आज हमने अपना मजदूर रख लिया तो 700 रुपए देंगे तो पहले वो क्वार्टर मिल जाएगा। हाँ। मजदूर काम करने को तैयार नहीं, काम चोर हो चुके, काम की कहीं कमी नहीं किसी प्रकार की भी। नरेगा योजना चल रही है, 2 ओवर राशन मिल रहा है, हम इतने काम चोर हो चुके हैं, मैं भी हूँ, मेरा लड़का भी, कोई काम करने को तैयार नहीं है, ये भूखा कोई नहीं मरने का देश में। अच्छा ये बताइए सपा के आने के कितने चांसेस हैं आपकी नजर में? समाजवादी आने से दिक्कत है, फुलेआम गुंडागर्दी बढ़ेगी, जैसे अभी कह रहे हैं कि जाटों की खाल में घुस भर देंगे हम, ये जो हम बयान दे रहे हैं उल्टे सीधे, ये खतरा हम। नहीं तो योगी जी भी तो कह रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं कि इधर शिमला बना देंगे। हाँ तो शिमला बना ही देंगे, वो तो कहते हैं सत्य कहते हैं, वो तो साधु है महाराज, क्या करेंगे आप बताइए, आप बताइए, क्योंकि शिमला अगर बन गया आपके आसपास बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के, आपसे बातचीत करके। आप अपना ख्याल रखिएगा। तो आज हम बिजनौर विधानसभा की बातचीत कर रहे थे, बिजनौर विधानसभा जो दरअसल काफी महत्वपूर्ण है अपने आप में, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी एक सीमा तो लगती है मुजफ्फरनगर के साथ और दूसरी सीमा लगती है मेरठ के साथ। दोनों ही जगह
अभी मैं आपको बता दूं कि मुजफ्फरनगर या मेरठ की बात करूं तो दोनों ही जो जब विधानसभाएं हैं जो बाकी मेरठ की जितनी विधानसभा हो या मुजफ्फरनगर की जितनी विधानसभा हो सारी की सारी एक हॉट सीट की विधानसभा के रूप में इस वक्त नजर आ रही है। और जो पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है इस वक्त लाइमलाइट में है, इस वक्त चर्चा में है, क्योंकि यहां पर एक तरफ योगी जी पूरी ताकत के साथ हुंकार भरे हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ आरएलडी के जो प्रमुख हैं जयंत चौधरी साहब और इधर समाजवादी पार्टी के जो कर्ता धरता हैं अखिलेश यादव साहब, वो दोनों लोग भी संयुक्त रूप से पूरी ताकत झोंके हुए हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश कई मायनों में इस वक्त अहम है और कहा जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो भी 100 के लगभग सीटें पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश से अगर 100 विधानसभा सीटें जो पार्टी इसको क्रॉस करेगी वो पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। तो आज के लिए इतना ही, कल एक बार फिर एक नई विधानसभा का निरीक्षण करेंगे और जानेंगे समझेंगे कि वाकई उस विधानसभा में चल क्या कुछ रहा है। फिलहाल के लिए शुक्रिया।